दोस्तों आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज और नई नई जानकारी केवल आपके लिए। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो हमारा चैनल जिसमें हम आपके लिए नए नए बिजनेस आइडियाज लेके आते हैं। तो आज का बिजनेस आइडिया एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप अपने घर से भी शुरू करके आसानी से काफी पैसा कमा सकते हो। ये बिजनेस एक लघु उद्योग बिजनेस है जिसमें आपको ना ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, ना ज्यादा स्पेस चाहिए, ना ही कोई आपको कोई एक्सपीरियंस चाहिए। इसे आप आसानी से जब मर्जी शुरू कर सकते हैं। साल भर चलने वाला ये बिजनेस जिसके बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक जरूर देखें और कोई भी पॉइंट बीच में से स्किप ना करें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। तो दोस्तों, ये जो बिजनेस हम आपके लिए लेके आए हैं, ये आप एज ए स्टार्टअप बिजनेस इसे शुरू कर सकते हैं और ये स्मॉल बिजनेस में आता है। तो ये बिजनेस है नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, मतलब नोटबुक, रजिस्टर, कॉपी किताब बनाने का बिजनेस। सभी तरह का इससे आप कॉपी रजिस्टर बना सकते हैं। तो चलिए बताते हैं कि इसमें रॉ मटेरियल क्या यूज होता है और मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है और प्रॉफिट मार्जिन क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें आपको चाहिए होता है पेपर और इसका ऊपर वाला टाइटल गत्ता, जिसमें आपका नाम और आपका ब्रांडिंग वगैरह लिखा होता है। आप जैसे का भी प्रिंटिंग चाहोगे आपको वैसे का मार्केट से अवेलेबल हो जाएगा, और इसका रॉ मटेरियल इजीली हर जगह अवेलेबल है। ये नहीं कि ये आपको किसी पर्टिकुलर सिटी में मिलेगा या कहीं जगह सस्ता मिलेगा, इसे आप हर जगह खरीद सकते हैं। और ये वीडियो एंड तक जरूर देखें, क्योंकि हम इस वीडियो के एंड में आपको रॉ मटेरियल और मशीनरी के सप्लायर का भी सारा कॉन्टैक्ट देंगे कि आप किन से खरीद सकते हैं और किन से आपको सस्ते रेट में मिलेगा। तो चलिए अब देखते हैं इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में, कि नोटबुक बनता कैसे है, कैसे इसका प्रोडक्शन होता है, क्या क्या चीज़ें इसमें रिक्वायरमेंट होती हैं प्रोडक्शन के लिए, और कैसे इसको एक्यूरेटली हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक फुली ऑटोमेटिक मॉडल, जिसमें आपका 3-in-1 मशीन है, जिसमें स्टिचिंग, फोल्डिंग और स्क्वेयरिंग होता है। मतलब आपका नोटबुक पहले स्टिच होगा, स्टिचिंग के बाद उसका बैक स्क्वेयर फोल्डिंग होगा और एंड में उसका बैक स्क्वेयर होगा। बैक स्क्वेयर होने के बाद आपका एंड में कटिंग प्रोसेस आएगा, कटिंग में जिसमें आपके नोटबुक का फिनिशिंग आएगा, और एंड में आपका श्रिंक रैपिंग होगा जिसमें आप नोटबुक पैक कर सकते हो, और एंड में आपका प्रोडक्ट तैयार होगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है हमारा फुली ऑटोमेटिक 3-in-1 नोटबुक स्टिचिंग, फोल्डिंग एंड स्क्वेयरिंग मशीन। इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका प्रोग्राम कैसे वर्क करता है। फुली ऑटोमेटिक टच स्क्रीन मॉडल है ये। इसमें आपने नोटबुक का साइज, कितने कितने सेंटीमीटर में मुझे पिन चाहिए, कितना मुझे फोल्ड चाहिए, कितनी स्पीड चाहिए, एज स्क्वेयरिंग कितने में चाहिए मुझे, वो सारा आप सेटिंग कर सकते हो। जैसे कि आप फ्रंट स्क्रीन में देख रहे हो, इसमें सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। आप इसमें सेटिंग अपने हिसाब से करके एक्यूरेटली नोटबुक को प्रोड्यूस कर सकते हो। आपको इसमें कोई भी एक्यूरेट लेबर की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल आदमी कोई भी इसमें काम कर सकता है और ईजिली कर सकता है बिना कुछ ज़्यादा सीखे भी। तो जैसे ये देख रहे हैं कि हम इसमें सारा प्रोग्राम सेटिंग कर सकते हैं, और देखें कैसे भी ये प्रोग्राम सेट हो रहा है। तो चलिए अब देखते हैं इसमें मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है। हमने सबसे पहले नोटबुक को इकट्ठा इस टेबल पे रख देना है। टेबल के पर रखने के बाद एक एक करके हम नोटबुक को आगे आगे धकेलते जाएंगे। ये ऑटोमेटिकली पिनिंग स्टेशन पे जाएगा नोटबुक को लेके, और उसके बाद फोल्डिंग स्टेशन पे जाएगा, और एंड में आपका स्क्वेयरिंग स्टेशन से बाहर निकल के आपका नोटबुक प्रोड्यूस हो जाएगा।
तो जैसा कि आपने देखा कि यह था फुली ऑटोमेटिक मशीन जिसमें आपका नोटबुक सारा तैयार होके बाहर आता है और सिर्फ इसमें आपका एंड में कटिंग का प्रोसेस रह जाता है। तो अभी जाते हैं हम कटिंग स्टेशन में, कटिंग मशीन का वर्किंग देखते हैं कैसे वो कट करता है और कैसे कैसे उसमें आपका ये डबल नोटबुक से सिंगल सिंगल नोटबुक का कन्वर्जन होता है। तो चलिए देखते हैं कि कटिंग मशीन कैसे वर्क करता है। तो आज ये जो कटिंग मशीन आप देख रहे हो ये सेमी ऑटोमेटिक कटिंग मशीन है जो सारा बटन से काम करता है। इसमें आपके सेफ्टी सेंसर्स होते हैं, हाथ आगे हो तो मशीन नहीं चलता। जैसे आप देख रहे हैं वीडियो में इसमें इकट्ठी नोटबुक्स रखी हुई हैं, इनको आप कटिंग करके एक्यूरेटली मतलब फिनिशिंग ला सकते हो। डबल डबल नोटबुक होता है उनको इसमें कटिंग करके सिंगल में कन्वर्ट किया जाता है और फाइनल प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। आप देख सकते हैं कैसे इसमें आपका कटिंग हो रहा है, कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं और क्या क्या बटन दबाकर आपका कटिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है। जैसे आपने देखा कि कटिंग करने के बाद कैसे इसका फिनिशिंग बढ़िया आ जाता है नोटबुक का और सिंगल सिंगल में कैसे कन्वर्ट होता है। तो अभी इसका प्रोसेस आता है नोटबुक्स को पैक करने का। पैकिंग का प्रोसेस होता है कि इसको लैमिनेशन वाली रैपिंग करने का। आप 5-5-6-6 नोटबुक को इकट्ठा इस श्रिंक रैपिंग मशीन में रख के पैक कर सकते हो। इससे ये होता है कि नोटबुक में कभी मॉइस्चर नहीं आता, आपका पेपर कभी ख़राब नहीं होता और लॉन्ग लाइफ तक मशीन जो आपकी नोटबुक्स है वो कहीं पड़े भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं आता और इसमें सेल भी इजीली हो जाती है नोटबुक्स। तो ज़्यादातर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इसी मशीन का यूज़ करके अपने नोटबुक को रैप करके ही अपने स्टॉक में मेंटेन करते हैं, जिस वजह से उनका स्टॉक इजीली मेंटेन रहता है और कभी भी पेपर ख़राब होने का दिक्कत नहीं रहता। तो आप देख सकते हैं कि कैसे फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार हैं और कैसे नोटबुक मार्केट में सेल होने के लिए रेडी है।